अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 28 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो पहला वर्ड आपको नजर आ रहा है वो है ला, एल ई ला। इसको बोलते कैसे हैं? ला। तो ये ऐसा वर्ड है जो आपको चाइनीज कन्वर्सेशन के अंदर, गुफ्तगू के अंदर बार बार सुनाई देता है। इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये क्यों यूज करते हैं वो हम देखते हैं। ला को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस की कंप्लीशन को शो करने के लिए। कंप्लीशन से मुराद क्या है? कि वो सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे, और सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, ताकि बोलने में अच्छा लगे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसका अपना कोई मतलब नहीं है। ये देखें, नी एग्जांपल, नी लायला लाहौर मा, क्या आप लाहौर आ गए हैं? हैव यू कम टू लाहौर, यानी के वो बंदा लाहौर आ गया है, यानी वो लाहौर आ गया है, काम हो चुका है। तो लायला क्या शो कर रहा है? कि काम हो चुका है। नहीं, लायला लाहौर मा, क्या आप लाहौर आ गए हैं, ठीक है। ये इसलिए यूज कर रहा, यूज करते हैं ताकि कंप्लीशन यानी काम के पूरा होने का पता चले। मजीद एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद जो मेन इसमें एक और चीज है कि ये वर्ब के बाद, यानी जो भी एक्शन है उसके बाद लगेगा या सेंटेंस के आखिर में, दो जगह पर आप इसे लगा सकते हैं, या वर्ब या एक्शन के बाद में या सेंटेंस के आखिर में। ये देखें, पहली एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो इसे एक्शन वर्ब के बाद लगाया गया है, वर्ब के बाद। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर देखें, जोथियन व छूला, कल मैं चला गया था। अब ये क्या शो कर रहा है? छूला, जब आपने ला लगा दिया है इसका मतलब ये है कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी पहले वो चला गया था। अगर यहां पर ला ना होता, वैसे जब जोथियन जब हम लगा देते हैं तो फिर ला की जरूरत नहीं होती, वो पता चल, जब जोथियन लग गया है तो इसका मतलब है काम पहले हो चुका है, मतलब कल हुआ था, तो जोथियन वो शो कर रहा है। लेकिन एक और चीज हमने पढ़ी थी, हम इसको ब्यूटीफाई, सेंटेंस को, जुमले को खूबसूरत बनाने के लिए भी हम कर देते हैं, जोथियन व छू, ये भी ठीक है, लेकिन जोथियन व छू ला, कल मैं गया था। मैं फिर से बता दूं कि ला का अपना कोई मतलब नहीं है, इसे हम यूज करते हैं सेंटेंस को शो करने के लिए, जुमले को बताने के लिए कि ये काम हो चुका है, पहले हो चुका है, और जुमले को खूबसूरती के लिए, बस, और इसका कोई काम नहीं। उसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सोई, एस ओ यू सो वाई आई ई, सोई। सोई का मतलब है डेट्स वाई, देयरफॉर, यानी इसीलिए। अब हम इसका पूरा पैटर्न देखते हैं कि ये किस जगह पर लगेगा, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, वो भी हम देखते हैं। इसका मतलब पता चल गया आपको? इसका मतलब है डेट्स वाई, देयरफॉर, इसीलिए। ये देखें, जोथियन व पिंगला, कल मैं बीमार था, सोई, इसीलिए, डेट्स वाई, व पूल आए शोशाओ। अगर आप सोई का पैटर्न गौर से देखें तो सोई से पहले हम रीजन बता रहे हैं, कोई भी काम है उसकी रीजन बता रहे हैं, सोई के बाद में हम बताते हैं कि आप जो सा हमने काम करना था वो कौन सा काम था। ये देखें, जोथियन व पिंगला, कल मैं बीमार था, सोई, इसीलिए, व पूल आए शोशाओ, मैं स्कूल नहीं आया। तो इसकी पोजीशन आपको पता चल गई, इसने कहां लगना है, ठीक है। सोई से पहले एक सेंटेंस आएगा और सोई के बाद सेंटेंस आएगा। अब ये देखें, पाचिस थान थाए प्यावल्यांग, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, सोई, इसीलिए, व चूज आए पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूं। थादा चिया थाए युआन, उसका घर बहुत दूर है, सोई, इसीलिए, व पूछू थादा चिया, मैं उसके घर नहीं जाता। पहले आप बता रहे हैं कि रीजन, कि थादा चिया थाए युआन, उसका घर बहुत ज्यादा दूर है, ये रीजन बता रहे हैं, सोई व पूछू थादा चिया, इसलिए मैं उसके घर नहीं जाता,
ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को उल्टा कर दें तो फिर उसकी जगह सोई की जगह में इनवे लगाना पड़ेगा, जो कि हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। इनवे का मतलब है क्योंकि। अभी देखें, ये देखें, वप्पू छू थादा च्या, मैं उसके घर नहीं जाता। अब इसके अंदर आप एक्शन पहले काम बता रहे हैं, जो आप काम नहीं करते या जो काम करते हैं पहले इसके अंदर वो बता रहे हैं। इनवे क्योंकि थादा च्या थाईवान, उसका घर बहुत दूर है। ठीक है, आपको समझ आ रही है दोनों सेंटेंसेस की, सोई के साथ भी और इनवे के साथ भी। इनवे का मतलब है बिकॉज, क्योंकि, और सोई का मतलब है डेट्स वाई, इसीलिए। ठीक है, रंशिरनी वाहन गाउशिंग, हमने ये एक सेंटेंस आई थिंक पहली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था, या सेकंड वीडियो थी, कि रंशिरनी वाहन गाउशिंग, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपको, आपसे मिलकर, आपको जानकर। तो रंशीर को एक और मतलब भी है, ये तो हमने एक पूरी फ्रेज पढ़ी थी, रंशीर के बाद नी था वा पापा, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये एक फ्रेज थी। ठीक है, आपको जानकर, आपसे मिलकर, लेकिन रंशीर अकेले का एक और मतलब है, वो है टू नो, जानना। दोस्तों अब इसका कॉन्सेप्ट आप गौर से समझिएगा कि रंशीर कौन से वाला जानना है। रंशीर होता है किसी शख्स को जानना, पर्सन को जानना, किसी बंदे को जानना, और जानना उस सूरत में कि आपने उससे मिले हो, उससे वाकिफ हो, ये नहीं कि मैंने सुना हो। मतलब एक होता है ना, हम किसी को जानते हैं, हमने सुना होता है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो है ट्रंप। मुझे मेरे सामने किसी ने कहा कि जी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप है, मैं कहा ठीक है। तो फिर एक और बंदा मेरे सामने ट्रंप का जब नाम लेगा तो मैं कहूंगा हाँ हाँ मुझे पता है कि वो ट्रंप है, लेकिन अभी ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर है, लेकिन मैंने अभी तक ट्रंप को नहीं देखा, तो उसके लिए आप रंशीर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने ट्रंप को देखा हुआ है, उससे मैं मिला हुआ हूं, उससे मैं वाकिफ हूं, तब मैं कहूंगा रंशीर। ठीक है, ये उस सूरत में आपने रंशीर को यूज करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, वह रंशीर था, आई नो हिम। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि आपने रंशीर इस सूरत में यूज करना है जब आप उस बंदे को जानते हो, उससे वाकिफ हो। नी रंशीर था मां, क्या आप उसे जानते हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड वो है हुई। ठीक है, हुई का मतलब होता है टू रिटर्न, हुई का मतलब होता है टू रिटर्न। अब दोस्तों इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि टू रिटर्न आपने यूज करना है किसी पर्सन के लिए, और वो पर्सन किसी बंदे के लिए। जैसे कि मैं कहता हूं जी मैं घर वापस जा रहा हूं, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूं। ठीक है, तो इस सूरत में आपने हुई को यूज करना है। अब ये नहीं आपने करना कि चीजें वापस कर रहे हैं तब भी हुई यूज कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ बंदा, वो भी जब वापस जाएगा जहां से वो आया था। मिसाल देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, वह हुईचिया, आई एम रिटर्निंग बैक टू होम। पहले हम कहते थे कि वह छूचिया, मैं घर जा रहा हूं, लेकिन अब अगर आप देखें तो कोई भी जो बंदा है, कोई भी है, वो जाहरी बात है वो घर से ही आता है। घर से जब वो आता है तो हम असल में दोस्तों बात ये है कि अगर आप देखें तो कोई भी बंदा है वो अपने घर से ही आता है ना, तो घर में ही वापस जाता है। तो जब जिस पोजीशन से वो आया था, जब वो उस पोजीशन पे दोबारा वापस जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वहां हुई लगा देंगे। अब हम क्या कहेंगे, वह हुई चा, आई एम रिटर्निंग बैक टू होम, मैं घर वापस जा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहना मैं ऑफिस वापस जा रहा हूं, मैं कहूंगा वह हुई पंगोंगशिर। आपको समझ आ रही है, हुई होता है रिटर्न बैक, कहीं वापस जाना, जहां से आप आए थे वहीं वापस जाना, तो इसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हुई। ठीक है, नी हुई चा, तुम घर वापस जाओ। ठीक है, नी हुई छू, नी खुई छू, तुम वापस जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो नी खुई छू है, ये उस सूरत में हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा
मैं बॉस हूं, मेरा कोई इम्प्लॉय है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। तो मैंने उसे बुला लिया, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो इससे काम नहीं है। मैं उसे कहूंगा निकुई छू, तुम वापस जाओ। ठीक है, अभी देखें वो वापस जा रहा था और दरवाजे तक पहुंचा ही था, साथ ही मैंने उसे कह दिया निकुई लाए, तुम वापिस आओ। आप समझ रहे हैं किस सेंस में इसको यूज करना है, हुई छू और हुई लाए को। जब आपने कोई प्लेस जो है, कोई जगह जो है, उसको मेंशन जब नहीं करेंगे तो आप हुई लाए और हुई छू बोलेंगे। लेकिन जब आप कोई जगह मेंशन कर देंगे, जिस तरह इस एग्जांपल में हमने जगह को मेंशन कर दिया चा घर, तो हम न छू लगाएंगे न लाए लगाएंगे, हम सिंपल इतना कह देंगे नि हुई चा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, और वीडियो को फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखें। इस तरह से मत करें कि दरमियान से कोई देख ली या एंड से कोई देख ली, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है स्टार्टिंग वीडियो से। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।